हिंदू और हिंदू संस्कृति सर्व कल्याण वाली संस्कृति में विश्वास रखती है। अभिनेताओं को क्या हो गया है, रह रह करके इनके पाकिस्तान का प्यार मोहब्बत उजागर हो रही है। हम किसी को पाकिस्तान नहीं भेजते, जिसे पाकिस्तान अच्छा लगता है और हिंदुस्तान में दहशत है, ऐसे लोग शिक्षा से पाकिस्तान जाना चाहें तो चले जाएं। जहां तक हमारा कहीं जाने का या हिंदूवादियों कहीं जाने का प्रश्न है, ये तो प्रश्न उठता ही नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, एक इंच जमीन लेने वाले की भी छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा, मोदी का हिंदुस्तान, अमित शाह का हिंदुस्तान है, योगी का हिंदुस्तान है। इसलिए लोग अपने दिल दिमाग को साफ करके सही रास्ते पर चले। हम लोग राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं, हमने कभी किसी चर्च को नहीं तोड़ा, हमने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, पर हमारे हजारों हजारों 30,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, तलवार के बल पर इस्लाम स्वीकार कराया गया, ऐसा हमने तो कभी नहीं किया। हम प्रेम सौहार्द वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम इकलौते हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम सारे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। मैं सिद्धान कणवंतो ईश्वम आर्यम, हम सारे विश्व को श्रेष्ठ करना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हिंदू समाज के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप लगाना, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। देश में गृह युद्ध की बात सोचने वाले को भी 50,000 गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। माननीय अमित शाह जी के रहते, मोदी जी के रहते, कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में गृह युद्ध की बात सोच सकता है, और जो गृह युद्ध की बात सोचता है उसे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पढ़े लिखे इंसान है अखिलेश यादव। अब इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा है तो अखिलेश जी को क्या परेशानी है? अगर उनका नोट नहीं है, उनका पैसा नहीं है, तो वो कहा है चक्कर में पड़े, अपने प्रचार करें, प्रसार करें, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। इस प्रकार से उनकी घबराहट बता रही है कि मामला दाल में कुछ काला है।